हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल ऑफ अन अकेडमी। इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, अगर आपको अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कीजिए। मेरा कोड अप्लाई करिए NB01 और इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपको अवेलेबल होगा। तो वेलकम टू माई क्लास एवरीवन। मेरा नाम है नेहा बंसल। आई हैव डन BSc, BEd, NGD एंड PTT और आप जैसे 4000 से भी ज़्यादा बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है और मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। वेलकम एवरीवन। सो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास बेटा बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है? उस बारे में, वो किस तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल, केमिकल और भी बहुत सारे एनवायरमेंटल, बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। जैसे ये जो चेंज आपको पिक्चर में शो हो रहा है, ये है एनवायरमेंटल चेंज, राइट? तो इस तरह के और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये पूरा आज हम इस चैप्टर में डिटेल में आपको समझाऊंगी, राइट? सो कंटेंट्स, आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस, दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग, चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर एंड चेंजेस कॉज्ड बाय मिक्सिंग। ओके, सो ये सभी टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं, राइट? सो मूविंग अहेड, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। ओके फाइन, सो इंट्रोडक्शन। व्हेन वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ थिंग बिकम डिफरेंट, वी से दैट इट हैज़ चेंज्ड और अ चेंज हैज़ टेकन प्लेस। जब एक या एक से ज़्यादा कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की बेटा वो चेंज हो जाती है या अलग हो जाती है उससे, तो हम क्या कहते हैं कि एक चेंज हुआ है या चेंज होने वाला है, ठीक है? व्हेन अ चेंज टेकन प्लेस देयर मे बी अ चेंज इन द स्टेट। अगर एक चेंज होता है तो उसकी किस चीज़ में होता है, स्टेट में होता है। जैसे आइस और वाटर, ठीक है, उनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, राइट? स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया, लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड टू लिक्विड, इस तरह से उसकी स्टेट चेंज हो गई। किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मटेरियल का पोजीशन चेंज हो जाता है, किसी की शेप, किसी का साइज, कलर, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सब चेंजेस जो है, जब किसी भी सब्सटेंस की में चेंजेस आते हैं तो इस तरह से ये सब चीज़ें नोटिस करी जाती है। किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, सारी चीज़ें एक साथ एक ही सब्सटेंस में नहीं होती हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, द मेल्टिंग ऑफ आइस इन्वॉल्व्स अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये क्या है, स्टेट का चेंज है, ठीक है? ये स्टेट चेंज हुआ है इसका, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये है सॉलिड और सॉलिड से ये किस में फॉर्म हुआ, लिक्विड में, ठीक है? तो ये इसका स्टेट चेंज हुआ है, ठीक है, इसमें चेंज हुआ है स्टेट में, राइट? एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट चेंजेस ऑब्जर्व्ड बाय अस इन आवर एवरीडे लाइफ। और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं बेटा जो हम अपनी डेली अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दही, आपको पता है दही किससे होता है, दूध से बनता है, ठीक है? मिल्क इज कन्वर्टेड इंटू कर्ड, दही जिसे हम कहते हैं, ठीक है? इसी तरह से कुकिंग ऑफ फूड, आप रॉ वेजिटेबल्स होते हैं उसको कुक करते हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाएंगे या फ्रूट्स खाएंगे तो वो अलग होता है। रॉ वेजिटेबल्स को जब हम कुक कर लेते हैं, या किसी भी चीज़ को, राइस हुआ, पल्सेस हुई, कुछ भी रॉ है, अगर हम उसको कुक कर लेते हैं तो उसमें क्या चेंज होता है, उसके टेस्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, अगर हम फ्यूल को बर्न करते हैं उसमें भी एक चेंज आता है। जैसे अगर हम वुड को बर्न करते हैं उसमें क्या चेंज होता है, वुड जब हम उसको जलाने से पहले वो एक लकड़ी की फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में रहता है, और जब वो जल जाता है, बर्न हो जाता है, उसके बाद वुड क्या बन जाता है, ऐश। ओके, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम वेट टू ड्राई, ठीक है ना? गीले कपड़ों को जब हम सुखाएंगे तो उसके चेंज आया उसमें। रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर जब लोहे के ऊपर जंग लग जाता है बेटा, लोहा अगर मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, तो ये भी एक टाइप का चेंज है। सम चेंजेस आर बेनिफिशियल, कुछ चेंजेस बेटा हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ हार्मफुल होते हैं। जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बेटा, राइपनिंग मतलब फ्रूट्स को पकाना, ठीक है?
फ्रूट्स को पकाना हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जितनी जल्दी वो फ्रूट्स पकेंगे उतनी जल्दी वो मार्केट में बिकेंगे, उतनी ही जल्दी वो यूज्ड किए जाएंगे, जितना ही लेट वो पकेंगे उतना ही लेट सारा प्रोसीजर हो जाता है। तो ये बेनिफिशियल चेंज है, जितना ही जल्दी वो पकेंगे उतनी जल्दी हम खा सकेंगे उसे, ठीक है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज अ बेनिफिशियल चेंज, सो वी ट्राई टू मेक द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स फास्टर बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल मेथड्स। बेटा अगर ओरिजिनल तरीके से पेड़ में ही पकते हैं अगर कोई भी फ्रूट तो वो टाइम लेता है, तो इसीलिए उनको कच्चा तोड़ के और आर्टिफिशियल तरीके से जैसे मसाले लगा के या केमिकल्स लगा के उनको राइप किया जाता है, उनको पकाया जाता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, दिस इज ग्रीन इन कलर, मतलब ये अभी पक्का नहीं है, ठीक है, रॉ है, ये कच्चा है, ठीक है। ये धीरे धीरे जब इसमें केमिकल्स ऐड होते जाते हैं तो ये इसकी स्टेजेस हो जाती है, फिर ये हो जाता है बिल्कुल राइपेंड फ्रूट जो रेडी टू ईट हो जाता है, रेडी टू ईट, और ये स्वीट भी हो जाता है। ये क्या होता है, सोर होता है, खट्टा होता है, और ये टेस्ट में स्वीट हो जाता है, या जिस भी फ्रूट का जैसा भी टेस्ट होता है वो उस हिसाब से चेंज हो जाता है अगर राइपन हो जाता है। तो ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है। स्पॉइलिंग ऑफ कुक फूड इज हार्मफुल, खाना पका हुआ या कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल अगर वो ज्यादा टाइम तक यूज नहीं करो तो वो सड़ जाता है, तो वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को स्लो कर देते हैं कि वो प्रोसेस जितना धीरे हो उतना अच्छा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं जिससे वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और जब उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन चला जाता है तो वो चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती है। जैसे समर्स में या जैसे रेनी सीजन्स में बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब होती है, बहुत जल्दी चीज़ें सड़ जाती हैं, तो ये क्या रहता है हमारे लिए, हार्मफुल। ये हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, क्योंकि इसमें क्या डेवलप हो जाते हैं, बैक्टीरियाज, जर्म्स, ठीक है ना, इसमें ये डेवलप हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि ये हमारे स्टमक में जाके हमारे डाइजेशन को भी ख़राब कर सकते हैं या हमारी बॉडी पे किसी भी तरह से ये रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ताकि ये रेफ्रिजरेट करते हैं चीज़ों को, ताकि ये प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे हो, और राइपनिंग को हम क्या करते हैं, ताकि वो प्रोसेस जल्दी जल्दी हो, ताकि उससे हमें फ़ायदा होता है, ठीक है। द चेंज इन द मटीरियल डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन, अच्छा चेंज बेटा अपने आप से कभी नहीं होता है, ठीक है, हमेशा एक एक्सटर्नल सोर्स होता है जिसकी वजह से एक चेंज होता है। देयर इज ऑलवेज अ कॉज विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन अ मटीरियल, ठीक है, किसी भी मटीरियल में चेंज लाने के लिए किसी एक कॉज की, कारण की जरूरत होती है, ठीक है। आइस डज नॉट मेल्ट टू फॉर्म वाटर ऑन इट्स ओन, आइस जो है, ठीक है, अगर आइस को हम फ्रीजर में रखेंगे, फ्रीज करते रहेंगे, तो क्या वो मेल्ट होगी, नो वो मेल्ट नहीं होगी। अगर हम उसको हीट दे देंगे, ठीक है, अगर हम उस आइस को थोड़ी सी हीट दे देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सोर्स क्या आया, हीटिंग। या अगर हम उसको रूम टेम्परेचर में भी ले आएंगे फ्रीजर से तो भी वो अपना स्टेट चेंज कर लेगा, उसमें चेंज जरूर होगा, स्लोली होगा बट होगा जरूर, ठीक है। आइस मस्ट बी गिवन टू हीट टू मेल्ट एंड चेंज इनटू वाटर, राइट। हीट इज द कॉज ऑफ द चेंज, हीट जो क्या हुआ, हीट क्या हुआ हमारा, कॉज, राइट, कॉज ऑफ द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सम ऑफ द वेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन मटीरियल्स आर बाय अप्लाइंग, कुछ तरीके क्या होते हैं किसी भी मटीरियल में चेंज लाने के लिए, जैसे हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स। शुगर सोल्यूशन इज द एग्जाम्पल ऑफ चेंज बाय मिक्सिंग, शुगर सोल्यूशन किसका एग्जाम्पल है, मिक्सिंग, चेंज बाय मिक्सिंग। कोई भी सब्सटेंस को अगर हम मिक्स करते हैं तो उसमें चेंज आता है, जैसे शुगर सोल्यूशन, शुगर है, पानी है, उसको जब हम मिक्स करेंगे तो उसका क्या चेंज हुआ, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, ठीक है, तो उसमें भी एक चेंज आया, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस, सम ऑफ द चेंजेस कैन बी रिवर्स, बेटा कुछ चेंजेस क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब रिवर्स हो जाते हैं, जैसे इधर अगर कोई चेंज आएगा तो वो रिवर्स भी हो जाएगा, लाइट लाइक सॉरी लाइक आइस
चेंजेस इनटू वाटर, ठीक है। तो आइस को जब हम मेल्ट करेंगे तो वो वाटर हो जाएगा, मतलब आइस को जब हम हीट देंगे तो वो वाटर में चेंज हो जाएगा, और वाटर को जब हम कंडेंस करेंगे, कूल करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। तो ये क्या हुआ, इंटरचेंजेबल, मतलब क्या हुआ, आइस से हम वाटर कर सकते हैं और वाटर से वापस आइस बना सकते हैं, तो ये रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो सो ऑल द चेंजेस अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल कौन से होते हैं, जो अगर मान लीजिए पेपर है, पेपर को अगर हमने बर्न किया तो ऐश बन गया, ठीक है, लेकिन ऐश को अगर हम दोबारा से बर्न या कुछ और उसके अंदर कुछ और चेंज प्रोसीजर लाएंगे या हीट करेंगे या कूल करेंगे तो वो वापस पेपर नहीं बन सकती है। सो दिस इज इररिवर्सिबल चेंज। ये क्या हुआ, इररिवर्सिबल चेंज हुआ। अ चेंज विच कैन बी रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस, वो ओरिजिनल सब्सटेंस को फॉर्म कर देता है रिवर्स चेंज होके, वो क्या कहलाता है, रिवर्सिबल चेंज। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, इन दिस द चेंज फ्रॉम आइस टू वाटर बाय हीटिंग हैज बीन रिवर्स्ड बाय कूलिंग, ठीक है। सम मोर एग्जांपल्स आर बॉइलिंग ऑफ वाटर, बेटा हम पानी को गर्म भी कर सकते हैं और उस पानी को दोबारा से ठंडा भी कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स अगर पिघल जाती है तो दोबारा से उसको वैक्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं फिर वो वापस आ जाता है, फिर स्ट्रेच करते हैं फिर वापस आ जाता है। आप भी बच्चे बहुत खेलते होंगे ना इस चीज से, या स्प्रिंग, ठीक है। आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स क्या, कपड़ों को हम आयरन करते हैं और दोबारा से वो खराब भी कर सकते हैं उनको, और फिर से उन्हें आयरन भी कर सकते हैं। फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को जब हम फोल्ड करते हैं तो अगर हम उसको खोलेंगे तो हमें वापस पेपर मिल जाएगा, ठीक है, पेपर डिस्ट्रॉय नहीं होता है फोल्डिंग में। डिसॉल्विंग सॉल्ट और शुगर इन द वाटर, सॉल्ट और शुगर अगर डिवाइड हो जाता है तो वो थ्रू फिल्टरेशन के प्रोसेस से हमें वो पानी वापस से भी मिल जाता है। निटिंग ऑफ स्वेटर, स्वेटर निट करना बेटा, स्वेटर बुनना, स्वेटर निट करते हैं, तो अगर हम उस स्वेटर को खोल देंगे, उस निटिंग को खोल देंगे तो वापस से हमें यार्न मिल जाएगा, बना देंगे हम उस यार्न को। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, वेट होते हैं, ड्राई करते हैं, ड्राई को अगर हम दोबारा से पानी डाल देंगे तो फिर से वेट हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स ऑन हीटिंग, मेटल्स बेटा कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सपैंड होते हैं हीट करने पे, और अगर हम उसको कूल करेंगे तो वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ जाते हैं। तो इस टाइप से भी ये भी क्या हुआ, रिवर्सिबल, एक्सपैंड हुआ, वापस से भी उस पोजीशन में हम उसको ला सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कूलिंग एंड हीटिंग, ठीक है ना बेटा। कूलिंग अगर हम, जूस है, लिक्विड है, ठीक है, दिस इज जूस, इसको हमने कूलिंग किया तो हमने क्या बनाया, आइसक्रीम, ठीक है। और आइसक्रीम को अगर हम पिघलाएंगे, जैसे आप आइसक्रीम अगर खाते होंगे, ठीक है, तो वो रूम टेम्परेचर में जब आ जाती है या एटमॉस्फेयर के जब कॉन्टैक्ट में आ जाती है, अगर गर्मी है बाहर तो वो जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगती है ना, तो अगर हम उसको पूरा मेल्ट होने देंगे तो वापस से वो क्या बना देगी, जूस ही बना देगी, ठीक है ना। तो ये वो रिवर्सिबल है। लाइक सॉलिड आइस, वाटर एंड गैस, ये बेटा रिवर्सिबल है सारे चेंजेस। आइस को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वाटर बनता है, वाटर को जब हम कूल करते हैं तो आइस बन जाती है, वाटर को जब हम और हीट करते हैं तो क्या बनता है, गैस, वाटर वेपर्स, गैस को जब हम कूल करते हैं तो क्या बनता है, वाटर। तो ये सब आपस में रिवर्सिबल है। चॉकलेट्स, अब बच्चे खाते ही होंगे, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है चॉकलेट, अगर ज़्यादा देर तक गर्म रहे या हीट में रहे या रूम टेम्परेचर में आ जाए फ्रीज़र से, तो वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है ना। और अगर हम उसी चॉकलेट को ठंडा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वापस से वो चॉकलेट हमें मिल जाएगी, तो ओरिजिनल सब्सटेंस हमें वापस उससे मिल जाता है, ठीक है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन क्या होता है बेटा, बढ़ जाना किसी चीज़ का, और कॉन्ट्रैक्शन होता है कम हो जाना। द इंक्रीज इन साइज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एक्सपेंशन एंड द डिक्रीज इन साइज ऑन कूलिंग, हीटिंग गर्म करने पे वो एक्सपैंड हो जाता है, ये बेटा ध्यान रखना, हीटिंग, हीटिंग पे एक्सपैंड होता है और कूलिंग पे क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, गर्मियाँ होती है तो आप खुले खुले रहते हो, है ना, बहुत मतलब गर्मी लग रही है खुले खुले एकदम, सोते भी हो बिल्कुल फैल के, ठीक है। अगर विंटर्स होती है तो विंटर्स में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, हम लोग भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, कहीं भी बैठेंगे ऐसे करके बैठेंगे, सोएंगे तो ऐसे सोते हैं, क्यों, क्योंकि हम भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि ठंड होती है। तो मेटल्स को ऐसे ठंड नहीं लगती है, लेकिन मेटल्स के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट करने पे एक्सपैंड हो जाते हैं और कूल करने पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। फिक्सिंग ऑफ आयरन रिम टू द वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट, ये बेटा इसका एग्जाम्पल है। और फिक्सिंग ऑफ आयरन ब्लेड ऑफ अ डिगिंग टूल टू अ वुडन हैंडल, ये मैं अभी आपको पिक्चर के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, राइट। दिस इज स्पेड, ठीक है, ये आयरन का होता है, दिस इज मेड अप ऑफ आयरन। जब हमने आयरन को हीट किया तो ये क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड होने के बाद ये इसमें फिट कर दिया, ठीक है, जैसे इसको यहाँ पे भी फिट कर दिया एक्सपैंड होने के बाद। अब ये फिट तो कर दिया, लेकिन अगर ये एक्सपैंड हो गया तो ये निकल जाएगी रॉड इसमें से, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें इसको क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको कूल करना है, ठंडा करना है। ठंडा करने पे ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये इसमें बिल्कुल फिट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही ये रिम का होता है बेटा, ये व्हील देखो बड़ा है और ये जो अंदर आ रही है इसके, ये आयरन भी वो है रिम, ये आयरन रिम है, ठीक है। अब छोटी चीज, बड़ी चीज के अंदर छोटी चीज कैसे आएगी, नहीं आ सकती है ना, कोई ये बड़ी चीज है, ठीक है, इसके अंदर इधर से हमने अंदर घुसानी है, वो तो नहीं आ सकती है जब तक हम उस चीज को उससे भी बड़ा नहीं कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये बाहर से अंदर डालनी है। यहां से अंदर डालनी होती तो इजीली चली जाएगी, नहीं, बाहर से अंदर डालनी है। तो इसको हीट करके हमें क्या करा, एक्सपैंड कर दिया, इसको और बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद इसके अंदर फिट कर दिया। फिट करने के बाद तो ये लूज हो गया, क्योंकि ये बड़ा हो गया इस व्हील से भी, तो व्हील से बड़ा हो गया है तो ये लूज हो गया। अब लूज कर, टाइट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, कूल होने के बाद ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये इसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगा। इररिवर्सिबल चेंजेस, जो चेंजेस आपस में वापस नहीं हो सकते हैं और कभी भी नहीं हो सकते, कुछ भी हम उसमें अप्लाई कर ले वो नहीं होगा। अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल सब्सटेंस हमें कभी नहीं मिल सकता उस चेंज से। और सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इररिवर्सिबल चेंजेस, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर मैंने आपको बताया था, इफ यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर इट चेंजेस इनटू ऐश एंड स्मोक एंड वी कैन नॉट कंबाइन बोथ ऑफ देम टू फॉर्म द ओरिजिनल पेपर, और उन दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल पेपर बन जाए। राख को आप कंबाइन करके और स्मोक को कंबाइन करके, राख के साथ ऐश के साथ आप पेपर बना सकते हैं, कभी नहीं, नेवर। सम मोर एग्जाम्पल्स आर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, वुड, LPG, अगर ये बर्न हो गए, एक बार जल गए तो ये ऐश बन जाते हैं या ये खत्म ही हो जाते हैं, तो ये कभी वापस नहीं आ सकते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, खाना एक बार बन गया तो दोबारा उसको रॉ वेजिटेबल्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग अगर एक बार लग गया तो दोबारा से आयरन वो नहीं मिल सकता वैसा। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, प्लांट अगर एक बार ही उग गया बेटा तो हम उसे वापस से छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एजिंग, अगर एक बार ही कोई बूढ़ा हो गया तो वो वापस से बच्चा नहीं बन सकता है। फॉलिंग ऑफ लीव्स, ट्री पे से अगर या प्लांट पे से अगर लीफ एक बार ही नीचे गिर गई तो वो वापस से किसी भी तरह से वो वापस उसमें अटैच नहीं हो सकती है। ब्रेकिंग ऑफ अ टॉय, अगर कोई एक टॉय टूट गया है तो वो दोबारा नहीं जुड़ सकता, ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बनेगा। आप कहोगे कि मैम फेवी क्विक से तो ये जुड़ जाएगा, बट वो ओरिजिनल सब्सटेंस की तरह नहीं बन सकता है, ठीक है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, अगर दूध से एक बारी हमने कर्ड बना दिया तो वापस से हम उसको दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे इसी तरह से ऑमलेट अगर एक बारी पैन पे डाल दो तो वापस से एक बन सकता है, नेवर, कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। बैलून को अगर एक बारी हमने फोड़ दिया, पिन उसमें मार दिया तो वो फूट गया, दोबारा से हम उसको बैलून नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही वुड को अगर हमने एक बारी जला दिया तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, राइट।
रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल चेंजेस इन्वॉल्विंग सम मटेरियल्स, इसमें कुछ मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहिए होते हैं ऑब्वियसली कोई भी चेंज होने के लिए. सो इवन द सेम मटेरियल कैन अंडरगो रिवर्सिबल चेंज. एक सेम मटेरियल भी रिवर्सिबल चेंज भी जा सकता है उसी में ही, और इरिवर्सिबल चेंज भी हो सकता है एक ही मटेरियल के साथ. दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है, अंडर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस. कंडीशंस अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है. जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर, सब्सटेंस क्या है, ओरिजिनल सब्सटेंस पेपर, ठीक है. तो अब पेपर को हमने एक तरफ तो हमने किया फोल्ड और दूसरी तरफ हमने किया इसे कट, ठीक है. तो फोल्ड जो किया वो वापस से खुल के पेपर बन सकता है, तो वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज, ठीक है. और जब हमने कट कर दिया, पीसेस कट कर दिए, तो वापस से वैसा ही पेपर हम नहीं बना सकते हैं, नेवर, कभी नहीं बना सकते हैं. तो ये कौन सा हुआ, इरिवर्सिबल चेंज. तो एक ही सब्सटेंस के साथ, एक ही मटेरियल के साथ दोनों चेंजेस हो रहे हैं बट अलग अलग कंडीशंस के साथ, ठीक है. जैसे ये बेटा फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर फोल्ड किया, हम वापस से हमें पेपर मिल सकता है, बट अगर हमने कट कर दिया तो वो वापस से हमें पेपर नहीं मिलेगा, ठीक है. सो दिस इज रिवर्सिबल चेंज एंड दिस इज इरिवर्सिबल चेंज, राइट. रोलिंग ऑफ अ रोटी, बेटा रोटी को जब हम बेलते हैं, आपकी मम्मी ने, आपने अपनी मम्मा को देखा होगा ना, ऐसे रोल करती हैं रोटी, तो रोल करती है तो वो डो लेती है, ठीक है, जो आटा गूंधा होता है ना वो लेती है डो. तो उस रोल करी हुई रोटी को हम वापस से उसको रोल कर सकते हैं, ठीक है, वापस से हम उसको रोल कर सकते हैं, ठीक है. बट अगर वो रोटी एक बारी बेक हो गई, अगर वो पक गई, तवे पे डल गई या गैस पे डल गई, वो पक गई, तो वापस से हम उसका डो नहीं बना सकते हैं, ठीक है. जैसे ये है डो है ये, ठीक है, ये रोल कर रहे हैं, राइट, दिस इज अ रोलर. रोलर से ये रोटी क्या हो रही है, रोल हो रही है. तो अगर हम इसको बिगाड़ देंगे तो वापस से हमें डो मिल जाएगा, बट इससे हमें डो कभी नहीं मिलेगा, इसको हम डो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है, रिवर्सिबल चेंज भी हो रहा है और इरिवर्सिबल चेंज भी हो रहा है, ठीक है. शेपिंग ऑफ वेट क्ले इनटू क्ले पॉट एंड बेकिंग अ क्ले पॉट, ठीक है. शेपिंग ऑफ वेट क्ले, बेटा ये वेट क्ले है, इसको हम शेप दे रहे हैं, ठीक है. अगर इसको हम दोबारा से बिगाड़ देंगे ना क्ले को, तो ये वापस से हमें वेट क्ले मिल जाएगी, ठीक है. लेकिन अगर इसको हमने एक बारी हीट करके पका दिया, हीटिंग से अगर हमने एक बारी इसको पका दिया, तो वापस से हमें वेट क्ले कभी भी नहीं मिल सकती है, नेवर, ठीक है. तो ये भी क्या है, इरिवर्सिबल भी है और रिवर्सिबल चेंज भी है, ठीक है. और इसमें सब्सटेंस क्या हुआ, क्ले. इन्फ्लेटिंग अ बैलून एंड बर्स्टिंग अ बैलून, अब बेटा इसमें पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हुआ, बलून. यहाँ पे क्या है, दोनों में बैलून है, ठीक है. ये पिक्चर अच्छी लगेगी शायद आपको. ये क्या है, इन्फ्लेटिंग, राइट, इन्फ्लेटिंग ऑफ बैलून एंड दिस इज बर्स्टिंग. तो इन्फ्लेटिंग क्या है, बैलून हमने फुलाया, उसकी हवा निकाल दी, तो वापस से हमें बैलून तो मिल जाएगा ना, है ना. ये क्या हुआ, रिवर्सिबल. बट अगर हमने एक बारी बैलून को बस्ट कर दिया, पिन कर दिया, फोड़ दिया, तो वापस से हमें ओरिजिनल बैलून नहीं मिल सकता है. तो ये क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंज, दिस इज इरिवर्सिबल चेंज, राइट. एंड जो मेन सब्सटेंस था वो एक ही था, वो क्या था, वो था बलून, राइट. मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स, बेटा इसमें क्या है, मेन जो सब्सटेंस है हमारा वो कौन सा है, हमारे पास वैक्स, ठीक है. ये मेल्ट हो रही है, मेल्ट होके हमें दोबारा से ये वैक्स मिल जाएगी, वैक्स ही रहेगी.
बट जब ये बर्न हो जाएगी, अगर ये वैक्स बर्न हो रही है तो बर्न होने पे ये खत्म हो जाएगी कैंडल, तो हमें ये वैक्स वापस से नहीं मिलेगी। तो क्या है इसमें, कैंडल वैक्स जो है, वो कैंडल जो है वो हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस है, तो वैक्स से हमें बर्निंग मेल्टिंग से हमें वैक्स मिल सकती है। और ये क्या है, मेल्टिंग जो है वो रिवर्सिबल है और बर्न जो है वो इररिवर्सिबल है। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बेटा किसी सब्सटेंस में फिजिकल और केमिकल दो तरह के चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, दीज आर द चेंजेस इन विच द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम बट द शेप साइज और पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस। जो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है, लेकिन उस सब्सटेंस की शेप साइज या पोजिशन, इनमें से कुछ भी या इनमें से तीनों भी चेंज हो सकते हैं। तो वो कौन से चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज, उनके फिजिकल जो अपीयरेंस है ना उसमें चेंजेस आता है, इंटरनली उनके केमिकल चेंजेस में, केमिकल रिएक्शंस में कुछ चेंजेस नहीं आता है। जैसे वाटर ऑन फ्रीजिंग चेंजेस टू आइस क्यूब्स एंड आइस अपॉन मेल्टिंग टर्न इनटू वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ, ये फिजिकल स्टेट है, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, इवेपोरेशन के थ्रू लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, हीट करके वाटर वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वाटर वेपर को कंडेंस करके हम फिर से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है जो आपने वाटर साइकिल में पढ़ा भी है। ठीक है, तो इस चेंज से क्या होगा, इसकी शेप साइज और पोजिशन चेंज हो रही है, बट क्या रह रहा है, केमिकल चेंजेस कुछ नहीं हो रहे, क्योंकि पानी ही मिल रहा है हमें, तीनों ही फॉर्म से हमें क्या मिल रहा है, पानी। ठीक है, केमिकल चेंजेस, दिस चेंजेस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जब आपस में केमिकल रिएक्शंस होता है, उससे नया कोई सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में चेंज हुआ और एक नया ही सब्सटेंस बन गया, वो होता है केमिकल चेंज। जैसे डो ऑफ व्हीट फ्लोर, डो करने के लिए हमें क्या करना होता है, आटा चाहिए होता है और पानी चाहिए होता है, वो दो सब्सटेंस मिक्स हुए, फिर उसके बाद ऑन बेकिंग, ठीक है, व्हीट फ्लोर ऑन बेकिंग, तो जब हम उसने उसकी चपाती बना दी, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसका टेस्ट ही चेंज हो गया, उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ। कच्चे आटे को हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, बट चपाती हमारे लिए बहुत यमी एक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, द टेस्ट ऑफ वेजिटेबल चेंजेस आफ्टर कुकिंग। ब्रिंजल है बेटा, ब्रिंजल आप कच्चा खा सकते हो, नहीं खा सकते हो, बट ब्रिंजल को हम पका के, बैगन का भरता या और भी उसके वेजिटेबल्स हम खाते हैं और वो हमें बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ, इसके केमिकल चेंजेस हुए, राइट, जैसे कुक्ड फूड, ठीक है, रॉ फूड का टेस्ट अलग होता है और कुक्ड फूड का टेस्ट अलग आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा यमी बन जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड हियर आर सम डेफिनेशंस। रिवर्सिबल चेंज, अ चेंज इन विच यू कैन गेट बैक द इनिशियल सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग द एक्शन। इररिवर्सिबल चेंज, अ चेंज इन विच यू कैन नॉट गेट बैक द इनिशियल सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग द एक्शन। फिजिकल चेंज, द चेंज इन विच द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस रिमेन द सेम बट द शेप साइज और पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। केमिकल चेंजेस, द चेंजेस दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस एंड विच इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, राइट। आयरन एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, मैंने अभी बताया भी था, आयरन जो है वो हीट करने पे एक्सपैंड होता है। बेटा आयरन का एग्जाम्पल है, मैं उस टाइम नहीं बताया, जैसे आपने रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे, राइट, ये रेलवे ट्रैक्स हैं, इनमें कभी देखा होगा बीच में ना स्पेस होता है थोड़ा सा, वो स्पेस ये क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑन इन समर्स, समर्स में क्या होता है बेटा, ये आयरन जो है वो एक्सपैंड होता है, तो एक्सपैंड होने पे ये क्या होता है, ये स्पेस ना फिल कर देगा। ठीक है, अगर ये स्पेस इनकेस नहीं होगा मानो, तो ये जो आयरन वो है ना, वो तो एक्सपैंड तो वो होगा ही, उससे वो क्या करेगा, ये बेंड हो जाएगा। तो बेंड हो जाएगा, जब ऐसे बेंड हो जाएगा वो, क्योंकि वो एक्सपैंड तो करेगा ही, अगर उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो मुड़ जाएगा, और मुड़ने में क्या होगा, ट्रेन के एक्सीडेंट्स होंगे। एंड इन विंटर्स वो वापस से ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, आयरन जो है वो
कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो विंटर्स में वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। द चेंजेस दैट कांट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इररिवर्सिबल रिएक्शंस। मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज एन एग्जांपल ऑफ बेनिफिशियल चेंज। इवेपोरेशन कॉजेज वाटर टू चेंज इनटू स्टीम एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज, राइट। सो व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ अ मटेरियल व्हेन इट्स हीटेड। जब हम हीट करते हैं तो वो मटेरियल क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है, और अगर हम कूल करते हैं तो मटेरियल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। टाइप ऑफ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, दैट इज केमिकल चेंज। नेम वन मेटल विच एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। ऐसा कौन सा मेटल है जो हीट करने पे एक्सपैंड होता है, आयरन, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग। बेटा ये ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग, गर्म करने पे आयरन जो है वो एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, बट हीट करने पे कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो है वाटर। वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग, ठीक है। What type of change is melting of wax? That is reversible change. Unacademy subscription features के बारे में जान लेते हैं बेटा। आप अपने घर से रह के, अपने comfort zone में रह के आप पढ़ाई कर सकते हैं। Unlimited access to all the courses, top educators मिलते हैं आपको इंडिया के एक ही platform पे। Regular doubt clearing होता है, exhaustive coverage होता है syllabus का, mentorship and guidance भी provide की जाती है, study material provide किया जाता है in the PDF form, practice test available होते हैं, live test series होती है जिसमें आपको prizes भी मिलते हैं and batch courses भी available होते हैं। ओके, एंड दीज आर सम प्राइजिंग 3, 6, 12, 15, 18, 24, 36, 48, एंड आफ्टर अप्लाइंग माय कोड दैट इज NB01। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको क्या होगा, डायरेक्टली 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ओके, अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फीचर्स क्या होते हैं बेटा, प्लस के तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलते ही हैं, बट आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या होता है, पर्सनल मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाता है, लाइट डाउट सॉल्विंग होता है, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स के साथ कनेक्शंस होते हैं, स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाता है, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब आपको मिलते हैं। एंड दीज आर प्राइजिंग 3, 6, 12, 15, 18, 24, 36, एंड आफ्टर अप्लाइंग माई कोड दैट इज NB01 यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में, और बेल आइकन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।